हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको फिर से नए डिजाइन का डोरमेट बनाना बताऊंगी। जिसे बनाने के लिए फ्रेंड हमने दो कलर का इस तरह से कपड़ा लिया है और उसको हमने कट कर लिया है। और कट करने के बाद फ्रेंड हमने इसमें गुल्ला बना लिया है और ये हमने आधा इंच इस तरह से आधा इंच चौड़ा कट किया है। और इस तरह से दोनों को हमने कट करने के बाद इस तरह से गुल्ला बनाने के बाद आप इसमें से साड़ी में से भी बना सकते हो या फिर दुपट्टे में से, जो आपको ठीक लगे। और या आप वूल से भी बना सकते हो। तो मैं इसमें से कपड़े में से बनाना बता रही हूँ किस तरह से आपको बनाना है। तो मैं इसमें फिस वाला डिजाइन बनाना बताऊँगी किस तरह से बनाएंगे। तो पहले हमने फिस वाले डिजाइन के लिए इसमें तीन फंदे डालेंगे। तो इस तरह से आप एक फंदा डाल लें, तो एक, दो, और तीन। तीन फंदे हो चुके हैं, ये देखो। अब हम यहीं से इनको, पहले हम इसको एक बार इसी तरह तीनों को बनाएंगे फंदे डालने के बाद। ये देखो इस तरह से, हमने दोनों साइड से पहले तीनों को बना लेना है। सीधी साइड से भी और उल्टी साइड से भी, ये देखो। तो हमने एक साइड इधर सीधी साइड से भी बना लिया और उल्टी साइड से। अब हमने यहां से, ये देखो यहां से, अब हम एक सिलाई बना चुके हैं। अब हम दूसरी सिलाई पे क्या करना है, यहीं से हम इस कपड़े को इस तरह से सिलाई के ऊपर घुमाएंगे और यहाँ से हम इस तरह से बनाएंगे। एक, तीन फंदे थे हमारे, एक, दो, तीन, इस तरह से हमारे फंदे बढ़ जाएंगे, चार। चार फंदे हो चुके हैं। इधर से हमने सिलाई के ऊपर से घुमाने के बाद कपड़े को, तो फंदा हमारा बढ़ चुका है। तो हम दोनों साइड से फंदे बढ़ाएंगे। तो देखो फिर से हमने इस तरह से सिलाई के ऊपर से कपड़े को घुमाएंगे और इस तरह से हमें बनाना है। एक, दो, तीन, चार, चार। तो ये देखो इस तरह से हम दोनों साइड से इसी तरह हम बनाएंगे। फिर से हमने दोनों साइड से इसी तरह कपड़े को सिलाई के ऊपर घुमाएंगे और यहाँ से इस तरह से बनाएंगे। इस तरह से ये देखो, दोनों साइड से हमने इसी तरह घुमाते घुमाते कपड़े को, तो ये हमारा फंदे बढ़ते चले जाएंगे दोनों साइड से। ये देखो इस तरह से, फिर से हमने इसी तरह कपड़े के ऊपर को सिलाई के ऊपर से घुमाना है कपड़े को, यहां से इस तरह से। मैं बहुत इजी और आसान तरीके से आपको बनाना बता रही हूँ फ्रेंड। अगर फ्रेंड आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये डोरमेट आपको कैसा लगा। ये देखो इस तरह से, फिर से दोनों साइड से हमने इसी तरह कपड़े को सिलाई के ऊपर घुमाएंगे, इस तरह से यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे। तो चलो हम इस तरह से बना लेती हूँ, फिर आपको आगे दिखाऊंगी कितनी सिलाई मैंने ये बनानी है। तो मैं बना लाती हूँ फिर आपको आगे दिखाती हूँ। तो देखो फ्रेंड, हमने ये यहाँ से और यहाँ तक मैंने इसमें 10 सिलाई बनाई है।
तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 सिलाई बना ली है। अब यहाँ से हमने अपने उल्टी साइड से कलर चेंज करेंगे। तो अब हमने अपना ये पिंक कलर लगाना है। जी देखो, ये देखो यहाँ से मैंने अपना पिंक कलर स्टार्ट कर दिया है 10 सिलाई बनाने के बाद। तो देखो फ्रेंड, हमने पूरी सिलाई उल्टी बना ली है। अब देखो यहाँ से हमने इसी तरह कपड़े को घुमाना है सिलाई के ऊपर, ये देखो, और हम यहीं से बनाना स्टार्ट करेंगे। ये देखो इस तरह से पूरी सिलाई हमने बना ली है। अब हम ये देखो उल्टी सिलाई पे आ चुके हैं। हमने दोनों साइड से फंदे बढ़ाने हैं। तो किस तरह से हमने फंदे बढ़ाने हैं वो हमने आपको इसी तरह बढ़ जाएंगे जैसे हमने ये सिलाई के इस तरह से घुमाएंगे। देखो इस तरह से हमने कपड़े को इस तरह से सिलाई के ऊपर घुमाना है। इस तरह से हमने ये बनाना है। तो देखो फ्रेंड, हमने इस तरह से इनको बनाना है। तो ये मेरी चौथी सिलाई है पिंक कलर से। ये देखो, तो ये हमारी चौथी सिलाई है। 1, 2, 3 और 4 4 सिलाई हमने बनाई है फंदे बढ़ाने के बाद। अब 4 सिलाई हम बनाएंगे बिना फंदे, कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे। इसी तरह हमने बनानी है। अब हमें कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे, सिलाई के ऊपर से कोई नहीं कपड़े को घुमाएंगे। अब यहीं से हम 4 सिलाई इसी तरह बनाएंगे। ये देखो इस तरह से, ये देखो दोनों साइड से हमने फंदे बढ़ाए थे। अब हमें कोई फंदा नहीं बढ़ाना है, 4 सिलाई इसी तरह बनानी है बिना फंदे बढ़ाने के बाद। देखो पूरी सिलाई को हमने इस तरह से बनाया है। अब हमने दोनों साइड से कोई फंदा नहीं बढ़ाना है, हम इसी तरह बनाएंगे।
तो मैं ये पूरी सिलाई को भी इसी तरह बना लेती हूँ। तो चलो मैं चार सिलाई इसी तरह बना लेती हूँ बिना फंदे बढ़ा के, इसी तरह। तो चार सिलाई बना के मैं ले आती हूँ, फिर आपको आगे दिखाऊंगी। तो देखो फ्रेंड, हमने चार सिलाई बिना फंदे के बना ली है। हमने चार सिलाई पे कोई फंदा नहीं बढ़ाया, इसी तरह हमने बनाई है। तो अब हम यहाँ से, पहले तो हमने यहाँ से फंदे बढ़ाए थे, फिर चार सिलाई पे कोई फंदा नहीं बढ़ाया था। अब हमने, जैसे मैंने ये शुरू से यहाँ से, अब हम यहाँ से एक एक फंदा इस तरह से कम करते जाएंगे। तो किस तरह से, दो फंदे हमने एक साथ लेने हैं इस तरह से। तो देखो अब हम एक एक फंदा दोनों साइड से कम करते जाएंगे। तो किस तरह से, हमने दो फंदे एक साथ लेंगे और दोनों को इस तरह से बनाएंगे, तो एक फंदा हमारा घट जाएगा। तो एक फंदा घट गया, आगे की इसी तरह हमने पूरी सिलाई को बनाना है। ये देखो इस तरह हमने पूरी सिलाई को बनाना है। ये देखो इस तरह से, लास्ट में हमारे दो फंदे बचे हैं, इनको हमने दोनों को एक साथ बनाएंगे तो एक फंदा हमारा घट जाएगा। ये देखो, तो इधर से भी हमने एक फंदा घटाया था और इधर से भी एक फंदा घटा लिया। पहले हमने यहाँ से बढ़ाए थे, फिर चार सिलाई इसी तरह बनाई थी सीधी सीधी। अब हमने एक एक फंदा कम करते जाएंगे। तो हमने दो फंदे हम एक साथ बनाएंगे तो एक फंदा हमारा घट जाएगा। ये देखो, दो फंदे हमने एक साथ लिए, ये देखो, तो एक फंदा घट गया। आगे की हमने पूरी सिलाई को इसी तरह बनाएंगे। तो मैं पूरी सिलाई को बना लेती हूँ, लास्ट का एक फंदा घटाऊंगी। तो देखो, दो फंदे हमने एक साथ लिए, दोनों को एक साथ इस तरह से घटा दें तो एक फंदा हमारा कम हो चुका है। दोनों साइड से हमने इसी तरह घटाने, पहले हमने बढ़ाए थे अब हम घटाते जा रहे हैं। तो इसी तरह मैं घटा लेती हूँ जिस तरह से मैंने यहाँ से बढ़ाए थे। देखो फ्रेंड, हमने इस तरह से, जिस तरह से हमने इधर से फंदे बढ़ाए थे, इधर से इस तरह से घटाते आ रहे हैं। तो मैंने, अब हमारे फंदे घटने के बाद यहाँ मेरे 10 फंदे रह गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 फंदे रह गए फ्रेंड। यहीं पे हम बंद करेंगे फंदे घटाने। अब हमने फिर से अपना वही कलर लगाएंगे, तो ये कलर हम बंद करेंगे। तो देखो फ्रेंड, हमने फिर से अपना वही कलर लगाएंगे जो हमने आगे लगाया था। तो यहीं से हमने अपना ये उल्टी साइड से, ये देखो, ये हमने पिंक कलर वाले को कट करने के बाद कपड़े को इस तरह से आगे की साइड इस तरह से बंद कर लेंगे। ये देखो, उल्टी सिलाई मेरी हो चुकी है। देखो फ्रेंड, अब मैंने ये कलर लगा लिया है जो मैंने शुरू में लगाया था। तो एक सिलाई बना ली है, अब हम यहाँ से फंदे बढ़ाएंगे। तो किस तरह से बढ़ाएंगे, इसी तरह हमने कपड़े को सिलाई के ऊपर घुमाएंगे। ये देखो और ये देखो, एक फंदा हमारा बढ़ चुका है इधर से। तो देखो फ्रेंड, इस तरह से हमने दोनों साइड से एक एक फंदा बढ़ाना है।
ये देखो, अब हम इधर से भी एक फंदा बढ़ाया, अब हम इधर से भी बढ़ाएंगे। इस तरह से हमने सिलाई के ऊपर कपड़े को घुमाएंगे, तो ये देखो इस तरह से हमने बनाना है। अब हमने दोनों साइड से एक एक फंदा बढ़ाते जाएंगे, इस तरह से हमारा फंदा बढ़ जाएगा। इस तरह से हमने कपड़े को सिलाई के ऊपर लाएंगे, तो देखो एक फंदा बढ़ चुका है। तो इसी तरह मैं बना लेती हूँ आगे तक, फिर आपको आगे दिखाऊंगी। तो देखो फ्रेंड, इस तरह से हमने फंदे बढ़ा लिए। तो कितनी सिलाई हमने पीछे की बनाई है, 1 2 3 4 5 6 सिलाई मैंने इधर को फंदे बढ़ा के। अब हम यहाँ से फंदे बंद करेंगे। तो फंदे हमने किस तरह से बंद करेंगे, ये देखो दो फंदे हमने एक साथ लेने हैं। ये दो फंदे मैंने एक साथ लिए, इन्हीं दोनों को एक साथ बनाएंगे तो एक फंदा हमारा घट जाएगा। फिर हम इसे वापस सिलाई में डालेंगे, फिर दोनों को एक साथ बनाएंगे, ये देखो, ये देखो इस तरह से दो फंदे हमने एक साथ लेने। ये देखो हमने वापस सिलाई में डालेंगे, एक फंदा इस सिलाई से लेंगे, तो दो फंदे हो चुके हैं, दोनों को हमने एक साथ बनाएंगे। तो देखो इस तरह से एक फंदा हमारा घट जाएगा, वापस एक फंदा आ जाएगा, इसको हम फिर से सिलाई में डालेंगे, दोनों को एक साथ बनाएंगे। ये देखो घट गया एक फंदा, एक फंदा रह गया, इसको हम फिर से वापस सिलाई में डालेंगे। ये देखो इस तरह से, तो इस तरह से हमने ये सारे फंदे घटा देने हैं। ये देखो इस तरह से मैं ही आगे के फंदे भी इसी तरह घटाऊंगी, दो का एक करते हुए वापस सिलाई में डालेंगे। जी तो देखो हमने सारे फंदे इस तरह से घटा लिए हैं। अब इसको कपड़े को यहीं से कट करेंगे। तो देखो फ्रेंड, इस तरह से ये डोरमेट बन जाएगा। आपको जितना बड़ा बनाना है उतने बड़े फंदे यहाँ से बढ़ाते जाए और यहाँ से घटाते, तो सेम इस तरह से बन के आएगा। अब मैं यहाँ एक आइस बनाऊंगी ब्लैक कलर की वूल से, तो मैं वो लगा लेती हूँ, फिर आपको आगे दिखाऊंगी। तो देखो फ्रेंड, मैंने इसमें ब्लैक वूल से आइस बना दिया है। तो देखो ये डोरमेट एकदम बन के तैयार हो गया है। तो फ्रेंड, आपको ये डोरमेट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।